जबलपुर के मुस्लिम युवक और इंदौर के अंकिता की शादी को लेकर बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। दोनों की शादी को रोकने के लिए इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस हवन और यज्ञ के जरिए उन्होंने विरोध दर्ज कराया और भगवान भोलेनाथ से दोनों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। स्थान देवताभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा, सर्वे संतेभ्यो स्वाहा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर बैठे दिखाई दिए हैं। तख्तियों में जिहादी से बचाना है, अंकिता को घर लाना है, फिर नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के टुकड़े जैसे स्लोगन लिखे दिखाई दिए। भाजपा कार्यकर्ता राजेश शिरोडकर ने बताया कि युवती का ब्रेन वॉश किया गया है। हम नहीं चाहते कि युवती के साथ कुछ अनहोनी हो जिसका परिणाम भयावह हो। एक अंकिता राठौर नाम की हिंदू समाज की लड़की है, वो एक मुस्लिम युवक से विवाह करने जा रही है। हम नहीं चाहते कि भविष्य में उसके पेटी टुकड़े हो या वो सूटकेस में मिले, उसी को सद्बुद्धि के लिए आज हमने हवन यज्ञ किया। क्या मांग करते हैं आप उसके घर वाले? हम चाहते कि वो समझ जाए, जो जिस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया उसको समझा कर वो वापस अपना घर लौटाए, ये हमारी मांग है। अलग अलग तरह के समाज, उसके परिवार के जन, हिंदू संगठन कर रहा, आज हम भी ने इसी तारतम्य में सद्बुद्धि यज्ञ किया ताकि उसे सद्बुद्धि आए और अपना घर लौटे। मगर वो जबलपुर हाईकोर्ट में बैठे बैठे अपना अलग अलग बयान दे रही है, अलग अलग तर्क दे रही है कि मैं आत्महत्या, उससे बहला फुसला गया, उसके दिमाग में इतना भर दिया गया है कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही है। हम चाहते हैं कि उसे समाज द्वारा समझा के उसे जैसे भी करके उसको अपना घर लौटाए। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे जो कि लगातार इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के रहने वाले हसनैन अंसारी 12 नवंबर को कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। इंदौर से पंजाब केसरी के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट।